मैं तो सब रोज काम पे आता हूँ साहब, काम करके चला जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। हाँ रामू, कुछ देखा तुमने? हाँ साहब। क्या देखा? मैं सुबह काम पे आ रहा था, देखे एक आदमी भाग के जा रहा है। कौन था आदमी, पहचानते हो उसे? नहीं साहब, पहले तो कभी देखा नहीं, लेकिन देखूंगा तो पहचान लूंगा साहब। कहीं वही आदमी तो नहीं? हाँ साहब, हाँ साहब, ये वही आदमी है साहब जिन्होंने मेरे साहब को मार डाला है साहब। ये आदमी है। बेटा खान, आप इसका बयान ले लीजिए और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। हेलो, मुझे इंस्पेक्टर राजेश से बात करनी है। जी अभी बोल साहब जी, आपका फोन। हेलो, तुम्हें अभी लगता है कि विकास ने खून नहीं किया है? राजेश, ये सारा काम विकास का है। विकास ने दिनेश मामा को मारा है। मैं वहां पहुंचता उससे पहले दिनेश मामा को उसने चुप कर दिया हमेशा के लिए। घर के नौकर ने दिनेश मामा के घर से निकलते हुए आदमी की शिनाख्त कर ली है, अब वो तुम। जानबूझकर अनजान क्यों बनते हो राजेश? तुम जानते हो ये मेरा काम नहीं है। मेरे वहां पहुंचने से बहुत पहले खून हो गया था, सारा ब्लड क्लॉट हो गया था दिनेश मामा का। ये मेरा काम नहीं है भाई, विकास का काम है। विकास पूरी रात मेरे साथ था, और तुम्हारी वो इनहेरिटेंस वाली थ्योरी भी गलत है, क्योंकि श्रुति का वारिस विकास नहीं, दिनेश मामा है। लंबी गेम है राजेश, ये बहुत लंबी गेम है। अगर दिनेश मामा नहीं रहते हैं तो सारी जायदाद का वारिस उसका सबसे नजदीकी रिश्तेदार होगा, और वो कौन है? विकास ही तो है, दिनेश मामा के भांजी का पति। आकाश, तुम कानून को गुमराह करने की कोशिश मत करो। राजेश, होल्ड इट, मेक सेंस, कांट यू सी? यकीन हो गया तुम्हें? आप मानते हो तुम समथिंग इज रॉन्ग समवेयर? आकाश, आकाश, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तुम आज वो लेक के पास मिलो, तुम आज शाम को। ओके, बाय। चाहता कि मैं श्रुति के कर्म की तहकीकात करूं। करो भी मत, ये काम तुम्हारा नहीं। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन जिसको करना है वो कर भी तो नहीं रहा। पुलिस पे भरोसा रखो आकाश, हम छानबीन कर रहे हैं। हाँ मैं जानता हूं पुलिस छानबीन कर रही है, और इसीलिए रात भर तुम कातिल को अपने साथ रखते हो, उसे एक तुम्हारे बाजे लाते हो और अपनी सारी एनर्जी मुझे गिरफ्तार करने में लगाते हो, और इस तरह तुम्हारा जेल तोड़कर भागना, पता है इसका अंजाम क्या हो सकता है? क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा राजेश? उम्र कैद की सजा हो चुकी है, उससे बुरा और क्या होगा? लेकिन एक बात ध्यान में रखना राजेश,
जब तक मैं विकास को उसके किए की सजा नहीं दिलवा देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्या कर लोगे तुम? हाँ क्या कर लोगे? विकास को जान से मार डालोगे तुम? कानून को अपने हाथ में लोगे? विकास के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है यह मुझ पर छोड़ दो तुम। आकाश मैं तुम्हारा दोस्त हूँ कोई दुश्मन नहीं। इसी तरह अगर तुम कानून से भागते रहे तो क्या सुलूक होगा तुम्हारे साथ जानते हो? एक बार सिर्फ एक बार मैं विकास तक पहुंच जाऊं उसके बाद खुद अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। प्लीज मैं तुम्हें विकास तक कभी नहीं पहुंचने दूंगा। आकाश तुम विकास के साथ मिले हो, तुम मिले हो विकास के साथ, और तभी जब मामा का कत्ल होता है तब उसके पास एक अच्छा खासा अलीबाई होता, जब श्रुति का कत्ल होता है उसके बाद भी उसके पास एक अलीबाई होता। श्रुति और मामा की प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा मिल रहा है तुम्हें? क्या बोली लगाई उसने तुम्हारी? नो नो नहीं राजेश, यकीन मानो मैं बोली चला दूंगा। पागल हो रहे तुम आकाश? बंदूक दो। डोंट डू इट। बंदूक दो आकाश, ऐसा मत करो। बंदूक दो। डोंट डू इट आकाश। आकाश वहीं खड़े रहो। आकाश 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 कानून को अपने हाथ में मत खड़े रहो। आकाश पागल हो रहे हो? आगे मत आना राजेश। आकाश डोंट डू इट। राजेश आगे मत आना। डोंट डोंट आगे मत आना। आकाश आकाश गिव इट अ गन, गिव इट अ गन। आकाश आकाश अब भी वक्त है, अब भी वक्त। Try to understand, try to understand! You are committing a mistake! Akash! Akash, ruk jao, Akash! 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 आज मैं अपने ही शहर में बेगाना हो गया था। मुझे यकीन हो चला था कि हर कोई इस साजिश में शामिल है, यहां तक कि राजेश भी। मेरा दोस्त होकर राजेश मेरे ही खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था, जबकि वो अच्छी तरह जानता है कि किसी ने मुझ पर गोली चलाई थी, मुझे मारने की कोशिश की थी, फिर भी विकास को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। क्यों? राजेश से मुझे ये उम्मीद कभी नहीं थी। कानून का रखवाला होकर कानून से खिलवाड़ कर रहा है। मुझे इस षड्यंत्र के तह तक जाना ही होगा। पहले किसी ने हमारी शर्त का फायदा उठाकर श्रुति की हत्या की और मुझे फंसा दिया गया। मैं दिनेश मामा तक पहुंचने की कोशिश करता हूं तो इससे पहले कि मैं उस तक पहुंचूं कोई उसका भी खून कर देता है। कौन हो सकता है? क्यों कर रहा है? मुझे मारकर उसे क्या मिल जाएगा? क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत ही अकेला हूं। मैंने फैसला कर लिया, इस साजिश की तह तक पहुंचने के लिए मुझे वहीं से शुरुआत करनी होगी जहां हमने इस खेल को रचा था, यानी श्रुति के नानी का फार्म हाउस।
फिर से खरीदी ना वापस आऊंगा तेरी खबर बनाऊंगा होगी ना मेरी माँ अपने गहने भेज के दे देगी आप ज्यादा कहोगे तो ज्यादा दे देगी लेकिन मेरे को बचा लो अरे वकील तू तो कुछ बोल हाँ अबे क्या भाई ना चुपचाप अबे छोड़ यार तू वकील क्या चले तू जानता नहीं है चला मेरे को अब पूरी तस्वीर मुझे साफ साफ नजर आने लगी थी जसवंत जसवंत ही है असली कातिल उसके पास कत्ल करने की वजह भी थी जसवंत तक पहुंचू कैसे उसका पता मेरे फाइल में है मुझे तुरंत नंदा से मिलना होगा खूनी का पता लगा लिया है विकास नहीं है वो खूनी खूनी का नाम जसवंत है वो एक क्रिमिनल है और वो लंगड़ा लंगड़ा के दौड़ता है शायद इसके बारे में मैंने तुमसे बात की है पहले बेसमेंट में जो कैबिनेट है उसमें जे फाइल देखना उसके अंदर जसवंत के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है मैंने वो कहाँ रहता है कहाँ आता जाता है किन के साथ उठता बैठता है क्या काम करता है उसके सारे ठिकाने सबके बारे में उसमें लिखा हुआ है जसवंत तक अगर मुझे पहुँचना है तो वो फाइल बहुत जरूरी है और प्लीज तुम किसी भी तरह वो फाइल यहां लेकर मुझे मिलना कर ठीक है प्लीज लेके आऊंगी अभी जाओ यहां से जाओ जाओ पुलिस ने नजर रखी है मुझ पे लोग देख रहे जाओ दूसरे दिन मुझे उसका पता मिल गया तेलीबांधा 118 साहू की चाल मैं तुरंत तेलीबांधा पहुंचा एक्सक्यूज मी जी एक्सक्यूज मी ये साहू की चाल कहां पड़ेगी वो सामने थैंक यू सुनो ये 118 कहां पड़ेगा सामने से टीचर
यह खून भी सर पर हथौड़े के वार से किया गया, ठीक उसी तरह से जैसे श्रुति और दिनेश मामा का खून किया गया था। अब तो मानते हो तुम कि मैं खूनी नहीं हूं? आकाश, अगर यकीन ना होता तो मैं तुमसे मिलने अकेले नहीं आता, पूरी पुलिस फोर्स लेकर आता, और इस वक्त तुम जेल के सलाखों के पीछे होते। तो कर लो ना मुझे अरेस्ट, डला रहे हो क्या? सारी उम्मीदें जसवंत पे टिकी हुई थी। पता नहीं कौन कर रहा, क्यों कर रहा, क्या चाहता। आकाश, हम अब भी यह साबित कर सकते हैं कि खून तुमने नहीं किया।